ऐसा लगता है कि दुनिया हमेशा से ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है। हर दिन स्मार्टफोन और ज्यादा स्मार्ट होते जा रहे हैं, AI समझदार होता जा रहा है और हमारा पर्यावरण हर साल के साथ बिगड़ता जा रहा है। अगर आप भविष्य में 50 साल आगे जा पाते हैं तो दुनिया कैसी नजर आएगी? क्या रोबोट्स हर चीज पर काबू कर चुके होंगे? क्या हम तब भी पृथ्वी पर रह रहे होंगे? क्या आखिरकार एलियन जीवन की खोज हो सकेगी? आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और ये है क्या हो अगर आप भविष्य में 50 साल आगे जी रहे हो। अपने फोन की तरफ देखें और सोचें कि तकनीक पिछले 10 सालों में कितना आगे आ चुकी है। क्या आपने कभी सोचा है कि आज से 50 साल बाद तकनीक कैसी नजर आएगी? आपके परिवार और दोस्तों का क्या, उनका क्या होगा? 50 सालों के वक्त में हम शायद पीछे मुड़कर देखने पर इस बात पर हंस रहे होंगे कि हमें अपने फोन कैसे पकड़ने पड़ते थे, कितना पुराना तरीका है। बल्कि हमारे स्मार्टफोन्स या तो पहने जाएंगे या हम में इस तरह से इम्प्लांट होंगे जैसे आंखों में कॉन्टैक्ट लेंस लगते हैं। जरा सोचिए, फोन में देखने की जगह अपनी खुद की आंखों में GPS लगा होना। पर हालांकि ये सुनने में अच्छा लगता है, इसमें दिक्कतें भी होंगी। अगर आप अपने आप को भविष्य में इसलिए नहीं पहुंचाना चाहते कि आपको इस बात की चिंता है कि आपका परिवार साथ नहीं होगा, तो आप आराम से बैठ सकते हैं ये सोचकर कि 50 सालों में औसत जीवन काल करीब 80 से 90 साल तक होगा, यानी आज की तुलना में 10 साल ज्यादा। 1960 के दशक से हमारी आबादी का प्रतिशत पिरामिड की तरह ही दिखता आया है, पर भविष्य में 50 साल बाद वो पिरामिड एक रेक्टेंगल यानी समकोण में बदल जाएगा। इसका मतलब ये कि वरिष्ठ नागरिकों की संख्या बच्चों की संख्या के बराबर ही होगी। इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर बुरा असर होगा। नानी और नाना काफी देर में रिटायर होंगे, और जब वो रिटायर होंगे तब वृद्धों के घूमने की जगहें पूरी तरह से भरी नजर आएंगी। काम करने वालों की संख्या बढ़ जाने से नौकरियां ढूंढना और मुश्किल हो जाएगा। अभी स्कूल से निकले हैं बस, तो अभी कुछ दिन और माता पिता के साथ घर में ही बने रहना होगा, खासतौर से क्योंकि 2030 तक हमारी 80 करोड़ नौकरियों में AI ने जगह ले ली होगी। दुनिया की आबादी अपने सबसे ऊंचे स्तर पर होगी। इस वक्त तक पृथ्वी की आबादी 9 अरब लोगों के बड़े आंकड़े को छू लेगी। ज्यादा लोग मतलब ज्यादा समस्याएं। जहां हम सबके लिए फसलें उगाने की कोशिश कर रहे होंगे, वहीं खाने की कमी की संभावना और बढ़ती जा रही होगी। बढ़ते तापमान की वजह से फसलें उगाना मुश्किल हो जाएगा, और क्योंकि दुनिया की 70% आबादी शहरों में रह रही होगी, भीड़ बढ़ने से बीमारियां फैलेंगी और तेजी से फैलेंगी। जहां तक पर्यावरण की बात है, वो भी अच्छा नहीं नजर आ रहा। अमेज़न के वर्षा वनों की कटाई जारी रहेगी और 50 सालों के वक्त में इनमें से आधे गायब हो चुके होंगे। इनके वापस आने की भी उम्मीद ना रखें। बढ़ता जलवायु परिवर्तन इसे एक सूखी हुई बंजर जगह बना देगा। बढ़ते तापमान से ध्रुवों पर बर्फ की चादरें पिघलकर आज के मुकाबले केवल 50% रह जाएंगी, और डेड सी शायद वाकई अपने नाम जैसा हो जाएगा, क्योंकि इसका पानी भाप बनकर उड़ता जाएगा। अमेरिका के न्यू ऑर्लीन्स, मायामी और ह्यूस्टन जैसी जगहों पर जाने की सोच रहे हैं, माफ कीजिएगा पर आपकी किस्मत यहाँ नहीं चलेगी। हरिकेन आने वाले 50 सालों में और बुरा रूप ले लेंगे, और पानी के बढ़ते स्तर के चलते हमें खाड़ी वाले तट को छोड़ना होगा। पर चिंता ना करें, सब कुछ बुरा नहीं होने वाला। हालांकि दुनिया मर रही होगी, पर हम इंसानों के रहने के लिए पृथ्वी इकलौती जगह नहीं होगी। अगले 50 सालों में इंसान मंगल पर बस्तियां बनाना शुरू कर चुके होंगे। निजी कंपनियां हमारे सौर मंडल के सबसे नजदीकी सितारों के सिस्टम अल्फा सेंटोरी में जाने की कोशिशें कर रही होंगी। वहां होने पर हम प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी ग्रह पर जाएंगे, जहां एलियन जीवन होने की काफी संभावना है। अगर हमें वहां कोई एलियन नहीं मिलते तो हम खुद उस जगह पर कॉलोनी बना लेंगे। तो हम इंसानी प्रजाति की पर्यावरण की बात कर चुके हैं, पर आपका क्या? भविष्य के 50 सालों में आपके साथ क्या होने वाला है? सबसे पहले तो आपको अपने सालाना चेकअप के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाना होगा। आपके पास एक उपकरण होगा जिससे आप खुद को स्कैन कर बीमारियों का पता लगा सकेंगे। शरीर पर बदलाव करवाना काफी आम हो जाएगा। और हाँ, हम यहाँ टैटू या पियर्सिंग की बात नहीं कर रहे। आपको साइबरनेटिक आंखें जैसी चीजें मिलने लगेंगी, और आप वो चीजें देख सकेंगे जो आज आपको नजर नहीं आती, जैसे रेडिएशन। अगर आप अपने बिटकॉइन के निवेश की वजह से अमीर हो गए हैं, तो आप खुद के लिए एक डिजाइनर बच्चा भी खरीद सकते हैं। इस बच्चे की दिखावट से लेकर इसका बर्ताव और बुद्धि भी हर चीज कस्टमाइज्ड होगी, यानी आपके हिसाब से बनाई जाएगी। AI उतना ही समझदार होगा जितने इंसान। वो हमारी दुनिया पर अब तक काबू नहीं कर पाए होंगे, पर ये इस रास्ते में आगे बढ़ चुके होंगे। AI लगातार बुद्धि में विकास कर रहा होगा। जल्द ही इनका इंसानों से ज्यादा समझदार होना मुमकिन होगा।
उम्मीद करिए कि ये AI आपके साथ काम करेगा, जहां इंसान हमारी नौकरियों में ज्यादा अहम भूमिका निभा रहे होंगे। तो क्या आप भविष्य के साथ आने वाली अच्छी और बुरी चीजों के लिए तैयार हैं? अगर नहीं तो भी कोई बात नहीं, बस आज में जीते रहिए और धीरे धीरे अगले 50 सालों के साथ आगे बढ़ते रहिए। कौन जानता है, भविष्य में हम शायद काल्पनिक हालातों की बात भी ना करें। क्या हो अगर के वीडियोस होंगे या दुनिया के हर ख्याल को कंप्यूटर ही परख कर देख लेगा। इस पर चर्चा के लिए देखते रहें क्या हो अगर।